Hello dear students, today we will start our chapter number 6 from social science, Maurya Age, Chandragupta and Emperor Ashoka. As it was Sunday, all the children of the society gathered in the ground to play cricket. Bhavya and Jalpa formed teams. Coin was tossed to decide bowling and batting. Jalpa said heads. The coin fell on the ground. It was heads. Sunday का दिन था. Society के सारे बच्चे इकट्ठे हुए और वो क्रिकेट खेलने वाले थे. तो भव्या और जलपा ने अपनी टीम बनाई, ठीक है, और वो जो कॉइन होता है उसको टॉस करके डिसाइड करने वाले थे कि बॉलिंग और बैटिंग कौन करेगा. तो जलपा ने कहा उसको हेड चाहिए. तो जैसे ही कॉइन को उन्होंने टॉस किया तो हेड ही आया, ठीक है. सो जलपा आस्क्ड फॉर बैटिंग. तो जलपा ने कहा वो बैटिंग करेगी. हेतांस आस्क्ड वेयर डू वी फाइंड लॉयन फिगर ऑन द कॉइन. तो हेतांस ऐसे पूछता है कि कॉइन की कौन सी साइड है लॉयन का फिगर बना हुआ होता है. भव्या एक्सप्लेन टू हिम. तो भव्या उसको ये बात समझाती है, बताती है. द लॉयन फिगर ऑन द कॉइन इज हेड. जो हेड साइड होती है वहाँ पे लॉयन का फिगर बना हुआ होता है, ठीक है. दिस लॉयन्स फिगर हैज़ बीन इनग्रेव्ड ऑन द ह्यूज पिलर ऑफ सारनाथ. सारनाथ के यहाँ पे जो ह्यूज बड़े बड़े पिलर है उसके ऊपर ये इनग्रेव्ड मीन्स काव किया हुआ था, बनाया हुआ है. दिस पिलर वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोका ऑफ मौर्या डायनेस्टी. इंडिया हैज रिकग्नाइज इट एज ए नेशनल सिंबल. मौर्य डेंसिटी, फाउंडर एंड रूलर. चलिए अभी हम मौर्य डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे. उसके फाउंडर और रूलर कौन थे. फर्स्ट इज चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्य डेंसिटी. उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 321 BC टू 297 BC. BC हमने फर्स्ट सेम के एक चैप्टर में पढ़ा था. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. ओके स्टूडेंट्स, चंद्रगुप्ता प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन हिज चाइल्डहुड. जो चंद्रगुप्ता थे वो अपने बचपन से ही जो किंग राजा राजा जो गेम होती है वो गेम खेला करते थे. हिज स्किल वॉज नोटिस्ड बाय आचार्य विष्णु गुप्ता एंड ही वॉज ट्रेन्ड बाय हिम इन शस्त्र एंड शास्त्र. तो जो विष्णु गुप्ता है उन्होंने जो चंद्रगुप्ता को ट्रेन किया, क्या ट्रेन किया, शस्त्र एंड शास्त्र. शस्त्र मीन्स वेपन्स, शास्त्र मीन्स जो हमारे शास्त्र में जो बनी लिखी हुई चीज़ें हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, मेडिसिन, उन सब के बारे में शास्त्र में लिखा हुआ है. तो शस्त्र एंड शास्त्र ये दोनों चंद्रगुप्ता ने सीखा विष्णुगुप्ता से, ठीक है. चंद्रगुप्त मौर्य विथ द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ चाणक्य defeated last emperor of Nand dynasty. Dhananand in 321 BC took the throne of Magad and founded Maurya Vansh. जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने चाणक्य के गाइडेंस में जो नंद डायनेस्टी का एम्परर था जिसका नाम था धनानंद, ईयर है उसका 321 BC. तो चंद्रगुप्ता ने नंद डायनेस्टी के जो एम्परर है धनानंद उनको डिफीट किया, उनको हरा दिया और जो उनकी एम्परर का जो थ्रोन थी वो पूरी थ्रोन उसका नाम था मगध, उसके ऊपर खुद का राज किया और मौर्य वंश वहाँ पे स्टैब्लिश किया, मौर्य वंश की स्टार्टिंग की थी. चंद्रगुप्ता गॉट फुल बेनिफिट ऑफ चाणक्यस स्किल इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो चंद्रगुप्ता जो थे उनको पूरा बेनिफिट मिला, उन्होंने पूरा बेनिफिट लिया चाणक्य की जो स्किल थी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में, जो स्किल थी चाणक्य की उसका चंद्रगुप्ता को बहुत ही बेनिफिट हुआ, ठीक है. फ्रॉम अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम. उस समय पर लोग कैसे रहते थे, उनकी जो सोशल लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो या इकोनॉमिकल लाइफ हो, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें
अर्थशास्त्र नाम की बुक है चाणक्य की, उसमें से इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चाणक्य's डिप्लोमेटिक गाइडेंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चंद्रगुप्ता's अचीवमेंट। तो चंद्रगुप्ता ने जो भी अचीव किया था उसमें जो चाणक्य का जो गाइडेंस था, डिप्लोमेटिक मीन्स राजनीति का जो गाइडेंस था, उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था चंद्रगुप्ता के अचीवमेंट के लिए। चंद्रगुप्ता कंक्वर्ड फोर टेरिटरीज, काबुल, कंधार, हेरत एंड बलूचिस्तान आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग सेल्यूकस निकेटर। ये जो फोर टेरिटरीज के नाम लिखे हुए हैं, एक ग्रीक का किंग था, ठीक है, निकेटर, उसको डिफीट करने के बाद, उसको हराने के बाद उसने ये जो फोर टेरिटरीज है उसको उसने कंक्वर किया था। ओके, बींग इम्प्रेस्ड बाय चंद्रगुप्ता's ब्रेवरी, सेलेक्यूस मैरिड हिज डॉटर हेलेना विथ चंद्रगुप्ता एंड सेंड हिज एम्बेसेडर मेगिस्थेनिस टू हिज कोर्ट। तो ये जो सेलेक्यूस था ना, वो चंद्रगुप्ता की ब्रेवरी से बहुत ही इम्प्रेस हुआ और उसकी बेटी जो थी हेलेना, चंद्रगुप्ता और हेलेना की उसने शादी करवा दी, ठीक है, और उसका जो राजदूत कहते हैं जिसको, कमिश्नर, उसको चंद्रगुप्ता के साथ भेज दिया। ठीक है, ड्यूरिंग हिज स्टे इन पाटलिपुत्रा मेगास्थेनेस रोट अ बुक इंडिका विच प्रोवाइड्स इम्पोर्टेंस एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मगध एम्पायर। तो ये जो राजदूत उनके साथ गया था ना, उसने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था इंडिका। कहाँ लिखी थी? पाटलिपुत्र में जब ये स्टे कर रहे थे तब, बुक का नाम था इंडिका और जो ये बुक लिखी थी उस राइटर का नाम था मेगास्थेनेस। ठीक है, कौन था ये? जो ये सेलेक्यूस था उसका एम्बेसडर। तो ये जो बुक थी इंडिका, वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सारी, ये जो चंद्रगुप्ता है ना उसका कैपिटल और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मगध एम्पायर की पूरी इन्फॉर्मेशन उस बुक में लिखी हुई थी। एक्सटेंशन ऑफ स्टेट्स। चंद्रगुप्ता ट्राई टू एस्टैब्लिश अ सॉवरेन पावर ओवर होल ऑफ इंडिया बाय स्प्रेइंग हिज ऑथोरिटी विद द वैलर एंड डिप्लोमेसी ऑफ चाणक्य इन अदर रीजन ऑफ इंडिया। तो चाणक्य की हेल्प से, चाणक्य की जो डिप्लोमेसी थी, ठीक है, उससे और अपने जो वैलर, मतलब उसकी जो वीरता थी, उससे उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना पावर स्टैब्लिश करने की भी एक कोशिश की थी। ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान पेशवार कंधार टू बंगाल इन द ईस्ट। तो नॉर्थ की कुछ प्लेसेस है जिसका नाम है अफगानिस्तान, पेशवार, कंधार, यहाँ से उसने अपना पावर रूल करना शुरू किया टू बंगाल इन द ईस्ट। तो ईस्ट में जो बंगाल सिचुएटेड है वहाँ तक उसका पावर धीरे धीरे फैलता गया। और इट इज स्टेट इन सम ऑफ द सोर्सेस दैट ही हैड हिज रूल इवन इन सौराष्ट्र ऑल्सो। ही हैड अपॉइंटेड पुष्पगुप्ता वैश्य अमत्या एज इट्स गवर्नर। ठीक है, तो पुष्पगुप्ता को इसने अपने गवर्नर के लिए उसने उसको अपॉइंट किया हुआ था। पुष्पगुप्ता कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक बाय कंस्ट्रक्टिंग इन द डैम्स ऑफ द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम गिरनार माउंटेन इन गिरिनगर मीन्स जूनागढ़ इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के जूनागढ़ में सुदर्शन लेक जो है वो पुष्पगुप्ता ने कंस्ट्रक्टेड करवाई थी। ओके, कोंकण, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर रीजन ऑफ साउथ सदर्न इंडिया वेर आल्सो पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर। हमने जैसे पढ़ा उस हिसाब से नॉर्थ के जो कंधार हैं, ठीक है, नॉर्थ में कंधार, पेशवार, अफगानिस्तान, यहाँ से लेके यहाँ ईस्ट के जो बंगाल बना हुआ है यहाँ तक, ठीक है, नॉर्थ टू ईस्ट तक पूरा चंद्रगुप्त का एम्पायर बना हुआ था। ठीक है, ऑल्सो सौराष्ट्र, जो सौराष्ट्र है वो वेस्टर्न साइड, इस साइड है, ठीक है, तो सौराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में भी उसने बहुत ही अपना एम्पायर कुछ फैलाया हुआ था।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो सौराष्ट्र के यहाँ पे जो गिरनार है, यहाँ पे पुष्प गुप्ता ने जो लेक कंस्ट्रक्ट की थी, सुंदर सुदर्शन लेक जो है वो यहाँ पे गिरनार में कंस्ट्रक्ट की हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में भी उसका एम्पायर था, ओके। चंद्रगुप्ता स्पेंड द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ विथ जैन मुनि भद्र बाहु इन श्रवण बलगौडा ऑफ मैसूर नाउ कर्नाटका। ही डाइड इन 297 BC। डिस्क्रिप्शन अबाउट चंद्रगुप्ता 24 ईयर्स रूल ओवर स्टेट एंड हिज अडॉप्शन ऑफ जैनिज्म इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ इज फाउंड इन जैन पुराण्स। 297 BC में जो चंद्रगुप्ता थे वो उनकी डेथ हो गई थी, और उसके मतलब डेथ के कुछ साल पहले उन्होंने जैनिज्म को भी एडॉप्ट किया था, ठीक है। सोर्सेस प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्या डेंसिटी। मौर्या डेंसिटी की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या वर्क्स किया था, मतलब यहाँ पे वर्क्स लिखा हुआ है और उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में राइटर के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है।